कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, गाड़ियों की हमने बहुत बातें की है, लग्जरी सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब नाम आता है रॉल्स रॉयस का तो एकदम से हम लोग ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये वो गाड़ियाँ हैं ना जो अपने रेट्रो लुक को मेंटेन करके चल रही है। चाहे ये गाड़ी कितने साल भी पुरानी हो, लेकिन इनकी लेगेसी आज तक मेंटेन्ड है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। स्टार्ट करें, चाहे हम इंजन से हम बात करें लग्जरी की, हम बात करें कंफर्ट की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, एवरी पैरामीटर इज सुपर्ब। वो क्या चीज़ें हैं जो रॉयल्स रॉयस को जब से ये गाड़ी आई थी तब से इसको आज तक अपनी क्लास में एक ऐसी गाड़ी बना के स्टैंड आउट करती है कि इसका कॉम्पिटिटर तो छोड़िए कि कॉम्पिटिशन तो किससे ही करेंगे आप इसका, लेकिन रॉयल्स रॉयस अपने आप में वो ब्रांड है कि अगर किसी के घर में रॉयल्स रॉयस है ना तो हम लोग कहते हैं कि यार इसमें वेल्थ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों है, क्या है, सबके ऊपर डिस्कशन करते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रॉयल्स रॉयस है क्या चीज़। ये एक नॉर्मल सी कंपनी नहीं है, ये एक ड्रीम है जो दो दोस्तों ने देखा था बहुत साल पहले। एक का नाम था चार्ल्स रॉल्स और दूसरे का नाम था हेनरी रॉयस। इन दोनों दोस्तों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, मोटर यूनिट स्टार्ट की थी मैनचेस्टर के अंदर, और उसके बाद इनके दिमाग में खुराफात आई कि सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बनानी हमें इंजन ऐसा बनाना है जो सिर्फ गाड़ियों तक लिमिटेड ना हो, इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाते हैं और हम जेट प्लेन्स के इंजन बनाते हैं। तो इमेजिन, ये वो कंपनी है जो जेट प्लेन्स के इंजन बनाती है, एयर बसेस के इंजन बनाती है, तो इस गाड़ी का कंपटीशन हम कैसे करेंगे यार नॉर्मल कार्स के साथ। तो इसीलिए सबसे मेन रीज़न है कि रॉल्स रॉयस अपनी सेगमेंट क्या किसी भी सेगमेंट के कंपटीशन में नहीं है। ये एक अलग ही लीग है, अलग ही क्लास है, अलग ही लग्जरी है, इसी के लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको मैंने बताया कि रॉल्स रॉयस का मेन फोकस हो गया था इंजन्स के ऊपर रादर देन मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट को उन्होंने क्या किया, बेच दिया। किसको बेचा? सबसे पहले 1998 में बेचा इसे फॉक्स वैगन कंपनी को। उन्होंने इसको कुछ साल तक रन किया, उसके बाद उन्होंने इसके राइट्स बेच दिए BMW को। BMW को उन्होंने अपनी मोटर यूनिट तो बेच दी, लेकिन उन्होंने रिटेन कर लिया स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। ये जो सिंबल आपको दिखाई देता, जो पहचान है रॉल्स रॉयस की, इसे नहीं बेचा उन्होंने। क्यों नहीं बेचा उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता था कि रॉल्स रॉयस इस स्टैचू के बिना फुल ऑन इनकम्प्लीट है। और इमेजिन कितने करोड़ में ये दिया गया, $40 मिलियन की डील हुई थी उनकी BMW के साथ, तब जाके फॉक्स वैगन ने ये स्टैचू दिया BMW को। तो इस स्टैचू की वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं आप, इसके बिना ये गाड़ी इनकम्प्लीट है। जो पर्टिकुलर मॉडल आपके सामने हम लेके खड़े हैं, दिस इज़ रॉल्स रॉयस घोस्ट। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, आपको हमने फैंटम भी दिखाया था, दिस इज़ घोस्ट। क्या स्पेसिफिकेशंस है इस कार की, इंजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, साइड प्रोफाइल, टायर्स, हर चीज़ को भी बात करते हैं। अब इस कार की सेफ्टी, जो सबसे मेजर पैरामीटर होता है हर गाड़ी का, वो कैसे स्टैंड आउट करता है बाकी गाड़ियों से, और इसका प्राइस क्या है, वो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। अगर आप इस कार का फ्रंट देखेंगे तो जो इसका ग्रिल स्ट्रक्चर है, ये फुल ऑन क्रोम के साथ डिज़ाइन किया गया है, बहुत स्मार्ट, बहुत क्लासी लग रहा है। और इनफैक्ट जो ये कलर ये हम पर्टिकुलर लेके आपके सामने आए हैं, ग्रे एंड क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत क्लासी लग रहा है। नीचे भी आपके पास रेडिएटर ग्रिल दी गई है। जो आपको ग्रिल स्ट्रक्चर लग रहा है ना, बहुत वाइड लगेगा, बहुत ब्रॉड लगेगा, इसका रीज़न है, वो है इसका इंजन।
इस कार के अंदर आपका 6.7 लीटर V12 पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया है। बहुत हैवी इंजन है, इसीलिए यहाँ पर एयर पैसेज को फुल ऑन दिया गया है ताकि जो आपका इंजन है वो हीट अप ना हो। बात करेंगे आप इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है अलॉन्ग विद द LED DRLs, लाइट स्ट्रक्चर, ग्रिल स्ट्रक्चर, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, ये सारा कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट प्रोफाइल को बहुत क्लासी बनाता है अलॉन्ग विद मेंटेनिंग द रेट्रो लुक। तो क्लास और एलिगेंस का फुल ऑन कॉम्बिनेशन है रॉयल्स रॉयस का फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे आते ही सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसमें ह्यूज साइज 19 इंचेस अलॉय व्हील्स, और इन अलॉयज की एक स्मार्टनेस है कि जो आपका सेंटर व्हील कैप है, जब आपके टायर रोटेट करेंगे तो जो आपका ये सेंटर है, ये जो RR आपको दिखाई देता है, ये आपको स्टिल दिखाई देगा, ये स्टिल ही रहता है। ये नहीं है कि टायर मूव कर रहा है तो आपका ये बैजिंग भी मूव करना शुरू हो जाएगा, नहीं, वो आपकी स्टिल रहेगी और आपका टायर मूव करता जाएगा। उसके पीछे आइए, यहाँ पर रॉल्स रॉयस की बैजिंग दी गई है, ये आपका ORBM है और इसके नीचे यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है। ये गाड़ी आपकी 360 डिग्री पार्किंग कवरेज के साथ आती है। यहाँ पर आपके पास क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, इन हैंडल्स में भी बहुत स्मार्टली एक फीचर आपको बताती हूँ बाद में। पीछे के साइड में यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक मिसिंग है क्योंकि वो ड्राइवर साइड के ऊपर दिया गया है। उस टैंक की कैपेसिटीज 82 लीटर्स और एवरेज आपको जो मिलेगी इस कार में, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 4 से 5, और अगर आप जाएंगे हाईवे पे तो 7 से 8। अब चलते हैं इसके बूट पे। बैक प्रोफाइल की जब आप बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, आपका डिफॉगर है यहाँ पर, यहाँ पे अगेन क्रोम का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया है, रॉयल्स रॉयस की बैजिंग आपको दी गई है, नंबर प्लेट की जगह दी गई है, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, बैक कैमरा आपके पास है, LED टेल लैंप्स आपको दिए गए हैं। अब चलते हैं इसके बूट के अंदर। बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो इस कार के अंदर 490 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। ह्यूज स्पेस आपके पास है, बहुत सारे अपने लगेज आप रख सकते हैं इसमें, साइड में भी आपके पास जगह है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास टूल किट का प्लेसमेंट है, यहाँ पर लाइट दी गई है आपको। ऐसा जन फ्लिटर के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया गया है इसके अंदर, एक लाइट आपको ऊपर की साइड में भी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ ये आता है, एंड दैट्स इट। तो जो इस कार का बैक प्रोफाइल है वो बहुत सिंपल सिंप्लीफाइड से लुक के साथ आता है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी रेट्रो लुक को, क्लासिक लुक को मेंटेन करने की कोशिश की गई है ताकि ये जो गाड़ी है रोड पे अपनी प्रेजेंस को अलग से नोटिस कराए। अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पे। रियर पे जाने से पहले देखिए, जो इसका डोर का प्लेसमेंट है वो यहाँ पर, जब हमारे यूजुअली यहाँ होते हैं डोर हैंडल, इसमें इस साइड पर है। ये रॉल्स रॉयस का स्टाइल है। सीधा इंटीरियर, ये कार बहुत अच्छे और क्लासी कलर्स के अंदर आती है, और जो लोग इस गाड़ी को बनवाते हैं वो भी इसी तरीके के कलर्स को चूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी इसका रियर डोर। डोर को जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं, और जो क्रोम का भी यूज़ है, जो क्रोम की क्वालिटी है, वो भी बहुत आपको डिफरेंट लेवल लगेगी। यहाँ पर लाइट दी गई है इसके बैक साइड में, यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, एंड दिस इज़ योर एस्ट्रे। ये आपका पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपके पास वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है और दो मेमोरी ऑप्शंस हैं। नीचे की साइड में भी देखिए, जिस साइज़ की बॉटल इसमें रखी हुई है यही साइज़ आएगा, बड़े साइज़ की बॉटल इसमें नहीं आ पाएगी। ये आपका स्पीकर है, ये आपका ट्विटर है। यहाँ पर वुड फिनिश का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया है, क्रोम वुड फिनिश और बेल्जियम लेदर का बहुत स्मार्ट यूज़ इसमें किया गया है। ये कंपनी क्लेम करती है, लेदर की भी बात करते हैं इसमें, ये जो लेदर क्वालिटी यहाँ पर है ये इतनी सुप्रीम है कि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में आप इसको कहीं पर भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि जो इनका लेदर है, इसमें जब आप बैठेंगे तो जो आपका बॉडी से जो आवाज़ आती है ना कपड़ों वगैरह के टच होने से, वो वॉइस भी नहीं आएगा, और किसी भी तरीके का आपको कोई बॉडी इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब आप सोच लीजिए कितनी माइन्यूट चीज़ों का ये रॉयल्स रॉयस ध्यान रखती है लोगों का। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैबिन आपको समझाऊंगी अभी, वो है यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको अगर मैंने प्रेस किया तो मेरा डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बीच में रोकूंगी तो बीच में रुक जाएगा, अदरवाइज फुल ऑन क्लोज। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके AC वेंट्स। इसमें इस नॉब को जब आप पुश करेंगे तो आपका AC वेंट क्लोज हो जाएंगे, और इसको आप अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। सामने की तरफ आपके MID स्क्रीन दिए गए हैं जिनको अपने डोंगल की हेल्प से आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मैगजीन होल्डर दिया गया है।
सेंटर कंसोल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे कंट्रोल है जिसकी हेल्प से आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पैनल है ये आपका सीट एडजस्टमेंट्स के लिए दिया गया है। जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा है मुझे वो है ये, इसकी हेल्प से आपका जो हेड रेस्ट है उसे भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। बाकी यहाँ से तो आप अपने सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, बहुत मैक्सिमम रिक्लाइन हो जाता है ये, और इससे आपकी सीट आगे पीछे हो जाएगी, अप एंड डाउन हो जाएगी। इस बटन को प्रेस करने से आपका ट्विन कप होल्डर बाहर आ जाएगा, आप अपने कप रखिए, बॉटल्स रखिए, अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कीजिए अपने ड्राइव में। इसे प्रेस करेंगे तो आपका हैंड रेस्ट ओपन हो जाता है। इसमें छोटा सा स्टोरेज दिया गया है जिसमें उन्होंने बहुत स्मार्ट सी रॉयल्स रॉयस की बुकलेट रखी हुई है। सबसे ऊपर आपके पास एसी वेंट्स दिए गए हैं। ये आपको मैंने बताया था कि इस नॉब को अगर आप अपनी तरफ करेंगे पुल तो आपके एसी वेंट्स ओपन हो जाएंगे, इसे प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है जिसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, सॉफ्ट मीडियम हाई जो भी आपको चाहिए। नीचे की साइड में आपके पास एसी टेम्परेचर का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसको कितना हाई और कूल पे रखना है। उसके नीचे आपको जो बहुत रेयर मिलता है आजकल वो है आपका सीडी प्लेयर। यहाँ पर आपके पास दोनों मल्टीमीडिया स्क्रीन्स को ऑपरेट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं, इससे ऑफ और ऑन कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए आपके पास ऑक्स ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ इसमें फुल ऑन कारपेट दिया गया है। सॉफ्ट टचेस का यूज़ है गाड़ी में, आपको प्लास्टिक का मिनिमम यूज़ मिलेगा। और कम्फर्ट की अगर बात करते हैं तो सीरियसली बोला जाता है हेवन ऑन अर्थ इज़ लाइक सिटिंग इन साइड द रोल्स रॉयस, तो वही एक सेम चीज़ आपको फील होगी। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको फुल ऑन लग्जरी नेक्स्ट लेवल के ऊपर फील होने वाली है। चलते हैं आप इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। और इसके डोर्स में बहुत स्मार्टनेस है कि आप इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कीजिए वो अपने आप बंद हो जाता है। और अगर आपने सपोज इसको पूरा बंद नहीं किया, इस तरीके से भी आपने छोड़ा है तो भी ऐसे हो जाता है। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट्स के ऊपर।